भारत को वर्ल्ड कप का विजेता तो बना दिया, लेकिन सभी की आंखों के तारे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनको देखने के लिए ही शायद भारत का मैच अक्सर लोग देखे थे, वह अचानक वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं। जहां एक तरफ लोगों को भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी है, तो वहीं दोनों के संन्यास ने कई लोगों की खुशी को दुख में बदल दिया है। लेकिन खुद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास पर क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। विराट कोहली ने शानदार 76 रन की पारी खेली थी। जवाब में अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी पर आई थी, शुरुआत में 2 विकेट तो जल्द गिर गए थे और उसके बाद लग भी ऐसा रहा था कि भारत आसानी से मैच में जीत हासिल कर लेगा, लेकिन डिकॉक और क्लासेन ने पारी को आगे बढ़ाया। बता दे कि इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली थी क्लासेन की तरफ से कि भारत की झोली से मुकाबला पूरी तरह से निकल चुका था। 5 ओवर में सिर्फ जीत के लिए 30 रन की जरूरत थी। सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी और उसके बाद सिर्फ रोहित शर्मा ही ऐसे थे जिन्हें अभी भी उम्मीद थी कि टीम कुछ कर सकती है। ऐसे में गेंदबाजी पराई बुमराह ने सिर्फ यहां पर 4 रन का ओवर दिया। 4 ओवर में 26 की जरूरत थी। हार्दिक ने यहां पर क्लासेन का विकेट लिया और शानदार गेंदबाजी भी कराई। मैच यहां से बनना शुरू हो गया क्योंकि 3 ओवर में जीत के लिए 23 रन की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी पर आए दोबारा बुमराह, जिन्होंने यानसन को बोल किया और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 2 ओवर में 21 रन की जरूरत थी। अर्शदीप का यहां अच्छा ओवर देखने को मिला, उन्होंने 5 रन दिए। और उसके बाद हार्दिक ने अंतिम ओवर में जब 16 रन जीत के लिए चाहिए थी, तो पहले ही गेंद पर मिलर को कैच आउट कर दिया। सूर्य ने हैरतअंगेज कैच पकड़ा और टीम को जीत दिलवा दी। अचानक वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही संन्यास की घोषणा कर दी। विराट कोहली ने इस बीच कहा कि वह काफी ज्यादा खुश है कि उनकी टीम यानी के भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। उन्होंने कहा, सच बताऊं तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अब इस फॉर्मेट को अलविदा कह दूंगा। मेरे पास वर्ल्ड कप नहीं था, मैं वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा था। आज जब हमारी टीम चैंपियन बनी तो मेरे पास वर्ल्ड कप आ गया और मुझे लगता है अब यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। हम जिस चीज के लिए क्रिकेट खेल रहे थे वह हमें मिल गई और खुशी के साथ में अलविदा कहता हूँ। इस फॉर्मेट को बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारी यादें हैं क्रिकेट से जुड़ी जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट और बाकी खिलाड़ी, जिसमें रोहित मेरे भाई की तरह रहा है, तो वही रोहित शर्मा ने कहा कि सच बताऊं तो विराट और मैंने यह पहले ही तय कर लिया था कि यह वर्ल्ड कप हमारा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इस फॉर्मेट में हम दोनों का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी भारत को यह वर्ल्ड कप जीतना है। हम दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत की और टीम के सभी खिलाड़ियों ने बहुत योगदान दिया। यह सभी की मेहनत है कि आज हमारी टीम को यह बड़ी सफलता मिली। लेकिन दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती है तो उसी दिन दोनों संन्यास की घोषणा कर देंगे। विराट ने भी संन्यास लिया और मैं भी, मुझे लगता है अब बाकी यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। उनके हवाले अब यह फॉर्मेट और मैं चाहता हूँ वह अच्छा करें, टीम और भी ज्यादा बेहतर करें, विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करें। इस तरह से रोहित ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी कोडो क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली संन्यास देकर ठीक भी किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।